आप पब्लिक को बोलते हो कि बाइकआउट क्यों करते हैं, पब्लिक बैन क्यों कर रही है, कैंसर कल्चर क्यों आया है? अरे भाई, हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो माँ बहन पिता पुत्र सब साथ मिल के फिल्म देखते हैं और वो चाहते हैं कि हमें फिल्में भी उस वैल्यूज की मिले। अब आप फिल्मों में तो गंदगी कर ही रहे हैं, गे कल्चर, वल्गरिटी, ये सब तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज कर रहे हैं जो बॉम्बे तक ही महदूद है और बॉम्बे में भी हर जगह नहीं, कुछ जगह पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, अभी करण जौहर देखिए, करण जौहर जब वो इंटरव्यू करता है कॉफी, वो सिर्फ सेक्स बेस्ड सवाल करता है, ऐसा करोगे वैसा करोगे वैसा करोगे वैसा करोगे, शर्म आ जाए करण जौहर को। उसके बाद बिपाशा बासु जो माँ बनने वाली है, करीना कपूर जो माँ बनने वाली है, वो प्रेगनेंटी का फोटो जो दिखाती है वो दिखाती है और पूरा निकट, अरे आप माँ बनने वाली हो, बेडरूम का फोटो डाल रहे हो, लोग आपको माँ की नजर से, आप चाहते हो ना कि आपकी मातृत्व का सम्मान हो, आप लोगों को देखे और आपको बधाई दे कि करीना यार मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, ये सब दिखाकर क्या तुम आने वाले बच्चे का भी अपमान कर रही, जनता का भी अपमान कर रही हो? और क्यों तुम्हें इतनी खुजली है भाई, क्यों इतना है तो नंगे हो जाओ, नंगे पूरे हो जाओ, काहे के लिए टाइम पास कर रहे? तुम्हारी वजह से जो बाहर देश, जो बॉम्बे से बाहर से लड़कियां आती बेचारी, कितना सफर करना पड़ता है उनको मालूम है, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, स्ट्रगलर बेचारे कितना मेहनत करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, उनको काम नहीं मिलता, ऑडिशन करना उनके सामने फ्रॉड होता है, और आप जो जिनको भगवान की कृपा से सही जन्म हुआ, सही जगह जन्म हुआ, नेपोटिज्म को नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन चलो उसमें भी अगर ये मान लिया कि आप भले बड़े स्टार के बेटे या बेटी हो, तो क्यों ऐसी बेवकूफाना हरकत करते हो कि जिस वजह से बॉलीवुड और आपकी हरकतें की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, फिर क्यों नहीं चलेगी साउथ की फिल्म और क्यों ना आपकी फिल्म में बायकॉट होगी? बिल्कुल सही हो रही है बायकॉट आपकी फिल्म में, लाल सिंह चड्ढा से मैं बिल्कुल खफा हूँ, अमेरिकन का फैन हूँ, लेकिन ऐसी फालतू फिल्म मत बनाओ आपके भाई, प्लीज। कंगना ने स्यू किया है फिल्म फेयर मैगजीन को सिर्फ इस वजह से कि उनको बैन किया था और बाद में उनको इनवाइट कर रहे हैं आने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में, तो क्या कहना चाहेंगे कि, और वो बोलती कि फिल्म फेयर जो पब्लिकेशन है या जो अवार्ड्स है वो अनबायस है, अनएथिकल है, मतलब गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पेड अवार्ड्स होते हैं और जो न्यूज होता है वो भी येलो जर्नलिज्म है, वो भी फेक होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं तो अभी तो बोलूंगा तो फिर मुझे लोग बुरा बोलेंगे, भाई अवार्ड तो हिंदुस्तान में जितने भी है करण जौहर का अवार्ड मिल रहा है क्या किस चीज के लिए? कल्चर फैलाने के लिए, करण को उल्टा पुलटा तो नरक होता है लेकिन वो है ही नरक, कुछ भी फिल्म बनाता है, कुछ भी करता है। और कंगना का मैं इस बात को समर्थन करता हूँ कि कम से कम वो बोलती तो है, लोग तो लोग आपस में दोस्ती नहीं पाते। अब लाल सिंह चड्ढा के मैंने देखा काफी बड़े बड़े कलाकार तारीफ कर रहे हैं, अरे यहाँ दोस्त देश और दुनिया परेशान है उस फिल्म को देख के, चाइना में ये 6 सितंबर को रिलीज हो रही पिक्चर, ये अच्छा काम हो रहा है कि चाइना ने कोरोना भेजा था, हम लाल सिंह चड्ढा भेजे बदला। तो भैया बॉलीवुड वाले से निवेदन है, अच्छी फिल्में बनाइए, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी स्टार हो, सुपर स्टार हो, मेरे दिल में रहते हैं हमेशा, आप सब जियो थैंक यू।